चलिए राजधानी भोपाल से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कारम डैम मामले को लेकर इस वक्त की अपडेट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश पर अब कारम बांध के निर्माण से जुड़े 8 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। बांध निर्माण से जुड़ी 2 कंपनियां ब्लैकलिस्ट कर दी गई है। आपको बता दें कारम बांध के फूटने से जहां खेत के खेत बर्बाद हो गए, ग्रामीणों को भी अपने घर खाली करने पड़े। इस बांध के निर्माण में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है, जिसको लेकर अब 8 अधिकारियों पर गाज गिरी है। मुख्यमंत्री शिवराज ने 8 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। वही बांध निर्माण से जुड़ी 2 कंपनियों को भी ब्लैकलिस्ट किया जा चुका है। सरकार को इस बांध के टूटने से जब करोड़ों का नुकसान हुआ तो स्थानीय ग्रामीणों के घर और खेत तबाह हो गए। राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कारम बांध में संलिप्त अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। 8 अधिकारियों पर गाज गिरी है, जो कारम बांध के निर्माण में शामिल थे। आपको बता दें कुछ दिनों पहले कारम बांध में दरार आई, जो एकाएक बढ़ती चली गई और बांध का एक कोना पूरी तरह से टूट गया और पूरा पानी खेतों से होते हुए गाँव में फैल गया। खेतों में जहाँ फसलें तबाह हो गई तो ग्रामीणों के घर भी उसमें डूब गए। इस मामले में कुल 8 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। बांध निर्माण में जो कंपनियां जुटी हुई थी, ऐसी 2 कंपनियों को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ इस वक्त राजधानी भोपाल से जुड़े हुए हैं। विवेक, कारम बांध मामले में अब राज्य सरकार ने कार्रवाई की है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल अभिषेक, बात की जाए कारम बांध की तो जिस प्रकार से कारम बांध में मूसलाधार बारिश का दौर चला था पूरे मध्य प्रदेश में और कारम बांध जो है उसमें दरार आ गई थी, वो दरार के कारण जो कारम जो डैम है उसके बाजू से कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार ने एक रास्ता निकाला था पानी निकालने का। मगर बात की जाए पानी की तो जिस प्रकार से पानी बहा और जो फसलें हैं किसानों की वो कहीं ना कहीं नष्ट हो गई। मगर डैम की बात की जाए तो बड़ी लापरवाही सामने आई थी, क्योंकि कारम डैम का निर्माण कुछ साल पहले ही हुआ था और कुछ साल पहले के निर्माण के बाद ही जो दरार आई थी उसके कारण कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार पूरी तरह सतर्क हुई थी, जो उसके बाद स्थिति को काबू पा लिया गया था। और साथ ही जो बांध निर्माण जो कंपनी है, 2 कंपनी है कहीं ना कहीं उसको प्रदेश सरकार ने तुरंत ही ब्लैकलिस्ट कर दिया। मगर बात की जाए अधिकारियों की तो जल विभाग के जो अधिकारी कारम डैम बनाने के निर्माण में जो लगे हुए थे कहीं ना कहीं ऐसे 8 अधिकारियों को निलंबन की जो कार्यवाही है वो प्रदेश सरकार ने आज की है। लगातार प्रदेश सरकार इस पूरे मामले को लेकर एक समिति बनाई थी और समिति जो है वो लगातार जांच कर रही थी। मगर अधिकारियों की बात की जाए तो करीब जो 8 अधिकारी हैं उनको कहीं ना कहीं निलंबित कर दिया गया है। मगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की तो लगातार कांग्रेस पार्टी इसके पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही थी और साथ ही बात की जाए टीम कमलनाथ की तो कमलनाथ ने ट्वीट करके जो कारम डैम के जो मामले पर साफ तौर पे कहा कि छोटे अधिकारी है उन पर कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार ने गाज गिराई है, जो बड़े अधिकारी हैं जो जिन्होंने इस डैम को बनाने के लिए जो पूरी स्वीकृति ली थी और कहीं ना कहीं जो कंपनी है उस पर सख्त कार्रवाई प्रदेश सरकार ने नहीं की है। छोटे कार्रवाई पर छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई करके लीपापोती पूरे काम को किया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया विवेक विस्तृत जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर कार्रवाई हुई है 8 अधिकारियों पे, लेकिन विपक्ष इस कार्रवाई से इतना संतुष्ट नहीं है। जो बड़े नाम हैं उनको छोड़ दिया गया है, ऐसा विपक्ष का आरोप है। और साथ ही साथ जो कंपनियां जिन्हें ब्लैकलिस्ट की गई उन पर भी कड़ा एक्शन होना चाहिए, ऐसा विपक्ष मांग कर रही है।